हे फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आज ही मेरे चैनल दादीज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो अपन टाइम वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नर में जनन ग्रंथि कौन सी होती है, कि जो नर होता है उसमें जनन ग्रंथि कौन सी होती है। तो ऑप्शन में दे रखा है स्पर्म, अंडाणु, वर्षण या कोई नहीं। तो नर के अंदर जो जनन ग्रंथि होती है वो वर्षण या ना टेस्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, कि अंडाशय होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो अंडाशय होता है उसका मुख्य कार्य होता है एक का फॉर्मेशन करना, या ना अंडाणुओं का निर्माण करना। तो बी इज करेक्ट, या ना अंडाणुओं का पैदा करना ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, कि यानी जो स्पर्म्स होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन में दे रखा है 30 दिन, 28 दिन, 14 दिन, 15 दिन। तो जो स्पर्म्स होते हैं यानी जो शुक्राणु होते हैं उनका जीवन काल होता है वो 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स करने के बाद शुक्राणु स्त्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहते हैं, यानी संभोग करने के बाद में शुक्राणु होते हैं वो महिलाओं में कितने घंटे तक जीवित रहते हैं। तो ये होते हैं 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। कितने? 72 घंटे, यानी लगभग 3 घंटे, यानी सॉरी 3 घंटे नहीं, 3 दिन तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म कब से शुरू होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो महिलाओं में कब से शुरू होना, कब से स्टार्ट होती है। तो ये होती है 12 से 14 वर्ष के बीच में, कभी भी स्टार्ट हो जाती है। तो ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म होता है वो कब से बंद होना शुरू हो जाता है, यानी कितनी उम्र होती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद होना शुरू हो जाए। तो वो लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच में क्या हो जाता है, बंद हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, ना पुरुषों में जो नसबंदी कराई जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो पुरुषों में नसबंदी कराई जाती है उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, यानी डी इज करेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अपनी शुक्रवाहिनी नलिका होती है, यानी वास डिफरेंस होती है, उसको क्या होता है, धागे के द्वारा बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बंद हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। फिर आता है महिला की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो महिला की नसबंदी को बोलता है ट्यूबेक्टोमी, यानी ए इज करेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो महिला की अंडवाहिनियां होती है, यानी फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको या तो काट दिया जाता है या धागे के द्वारा बांध दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में बच्चा कैसे बनता है, ना गर्भाशय में बच्चे का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, निषेचन होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जायगोट, है ना, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के बाद में क्या होता है, जो भ्रूण है ना, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसमें कन्फ्यूज करने के लिए भी इस प्रकार के दिया हुआ होता है। तो सी इज करेक्ट, पहले क्या होगा, निषेचन, फिर युग्मनज का निर्माण, फिर भ्रूण का, फिर बच्चे का निर्माण होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नर व मादा में क्रम से प्रमुख लिंग हार्मोन कौन से होते हैं, यानी मादा एंड मेल एंड फीमेल के अंदर प्रमुख लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो अपन सब जानते हैं नर के अंदर तो सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और जो मादा होती है उसके अंदर होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो इसमें क्या है, एक वर्ड दे रखा है क्रम से, यानी अपन को क्रम से बताना है कि पहले नर में बताना है फिर मादा में बताना है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी नर के अंदर तो दे रखा है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। तो ए इज करेक्ट। अगले भी जितने भी दे रखे हैं वो सारे सही हैं, लेकिन इसमें क्रम से पूछ लिया। यदि क्रम से नहीं आता तो यहाँ पर क्या आ जाता, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी उपरोक्त सभी, यानी ये सबके सब क्या होते हैं, लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन होते हैं। ये थे कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए आप आज ही चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।